भाड़ा ये क्या करेगा यार? ओके कोई नहीं, भाड़ा में ही दूंगा। बहुत पैसा कमा रहे हैं हमारा। हमारा क्या है बोलो। हमारा हालत खराब हो चुका है इसकी इसकी वजह से। ये छोटे बच्चे लोग होते हैं, बस रोते रहते हैं छोटी-छोटी बात पर। ये लोग लूट रहे हैं इधर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी लोग को मेरा दूसरा ब्लॉग पर। आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त लोग से मिलने के लिए। हम लोग जो है साथ में काम करते हैं लेकिन अलग अलग स्टोर पर। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम मैं जा रहा हूँ वो लोग से मिलने के लिए। आज का ब्लॉग जो है शानदार होने वाला है। फाइनली मैं अपने दोस्त लोग से मिल चुका हूँ। तो अभी देखिए हम लोग दोस्त है, ये है मिस्टर नीम लेप्चा और रोमन गिल्ले। तो मैं कालिम्पोंग से हूँ और ये बंदा दोनों और ये इंडिया से। हम लोग बेसिकली हम लोग तीनों इंडिया से। तो हम लोग फाइनली अभी अलरिगा से यानी थोड़ा दूर अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आज तीनों मिल चुके, देख सकते हो आपका लोकेशन ये देखिए उधर सामने दुबई चैम्बर से। तो चलिए गाइस मैं आगे का कुछ नज़ारा दिखाता हूँ आप लोग को। तो देखिए हम लोग यहाँ पे रोड क्रॉस होना चाहते हैं, रोड क्रॉस होना है हम लोग को, उधर जाना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेड जोन है। तो यहाँ पे जाने यहाँ पे लिखता है वेट। तो आप आके देख सकते हो वहाँ पे रेड जल रहा है, यानी कि हम लोग का रास्ता क्रॉस नहीं करना है। यदि हम लोग यदि भूल से भी रास्ता क्रॉस करते हैं, यदि हम लोग को पकड़ लिया तो अभी फाइन भी बढ़ के 400 दिराम हो गया है। तो फाइन देखिए 400 दिराम यानी कि इंडिया का हो जाता है 8000 दिराम। तो जब भी आप रोड क्रॉस करो तो आपको ध्यान देना है कि सिग्नल रेड है या ग्रीन। तो फाइनली देखिए हम लोग आ पहुँचे हार्बर। शिप वगैरह रुका हुआ है, देख सकते हो आप लोग, देखिए कितना बड़ा बड़ा शिप है यहाँ पे। तो देखिए दोस्त लोग जो है फोटो खींच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे पानी, आप लोगों को दिखा देता हूँ दूसरा चीज़ क्या है। यहाँ पे ये हार्बर है, ठीक है, और आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ से बुर्ज खलीफा थोड़ा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ। उधर बुर्ज खलीफा ये जो दिख रहा है वो बुर्ज खलीफा है, यहाँ से थोड़ा दूर वो उसको बोलता है डाउन टाउन। और इधर में आपको बर्जमान है, ये बिल्डिंग से आपको पता चलता है इसको बोलता है बर्जमान। और हम लोग अभी जा रहा है इधर बर्दुबई, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी। और यहाँ पर भी मछली पकड़ रहे हैं बहुत, यहाँ पे बैठे हुए हैं। और देखिए मछली पकड़ने का ये देखिए जो तरीका नज़ारा, इधर सामने जो है जिम है। तो जिम यानी कि आप यहाँ पे आके एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको कुछ भी पे करना नहीं है। आपको आना है, एक्सरसाइज करना है और जाना है। देखिए लोग झूल रहे हैं झूला। और इधर देखिए ये जो है यहाँ पे आप जाके खाना खा सकते हो आप। देखिए तो क्या है मेरा जो मैंने तो एक लड़की को मैडम बोल दिया था, ये जहाँ से आए क्या लड़की को क्यों मैडम बोल रहा है बोल। तो क्या सेम लाइक मैम मैडम, बट द थिंग इज दैट मैम इट्स नो सो व्हाट सो यू आर मैडम सम लिटिल बिट ओल्ड या यू हैव टू क्रिएट समथिंग यूनिक। हेलो मैम, चेक द मेन्यू, दिस वन वी विल नॉट ईट यू। देखिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। हेलो, दिस इज ब्लास्ट। यस मैडम, दिस इज ब्लास्ट। हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया मैडम। हेलो इंडिया। हेलो, यू आर फ्रॉम मैडम? फिलीपींस। सो हम लोग आए, देखिए योर नेम, गुड नेम इज लीना। सर यू हैव बुकिंग? तो यहाँ पे आके बुक करके यहाँ पे खाना खा सकते हो। दिस इज आवर मेन्यू, Universal company yeah. 50 dirham 50 per dirham person, per yeah. person yeah, included the foods and drinks. Then we have a show. Oh yeah, nice. It's tanura, or show, yeah, or puppet show, like for two hours if you will pay 50 dirham then everything is free. Yes, everything included. Not free, it's included. Oh, included. Yeah. We can eat anything, right? Yes, 50 yes. dirham. Yes, it's so open. Thank you so much, madam. We'll definitely come. So where are you from? I'm from India, ma'am. No, your name? My name is Manoj. Okay. So, okay. Bye. Bye-bye, madam. Bye-bye. देखिए वहाँ पे जो है ओनली 50 दिराम में आपको देखिए 2 घंटे के लिए आपको कहीं पर भी लेके जाएंगे। और आप उसमें से जो चाटते हैं वो लोग का जो फूड है उनमें से आप कुछ भी खा सकते हो। तो देखिए हम लोग जाते जाते क्या होगा, रोलेक्स का जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस जो है ये सामने है, देखिए वो आगे ऊपर लिखा हुआ है रोलेक्स। तो यहाँ का हेड ऑफिस यहाँ पर रहते, तो हम लोग देखिए इस जगह पर आए। ओ वाह, देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए आप,
कुछ ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पे। तो देखिए ओ भाई ये उधर सामने, तो आपके इधर जूस का प्राइस क्या है बताइए, प्राइस आप बोलिए। आप देखो तो देखिए सारा सारा जूस जो है सारा फ्रेश मिलेगा आप लोग को। देखिए ये गन्ने का जूस है वगैरह, देखिए गन्ने का जूस जो भी चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई साहब? बिल्कुल मिलेगा, आप बिल्कुल आइए यहाँ पे, आइए जूस पीजिए, जूस का मजा लीजिए, ठीक है। देखिए तो लोग दोनों को दे दिया, ये मेरा है भैया जी, थैंक यू। हाँ थैंक यू। तो फाइनली जूस बन चुका है गन्ने का जूस, तो गन्ने का जूस पीना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे बोट के, बोट में जो एक दिरहम का जो बोर्ड है, तो दिखाता हूँ आप लोग को। भैया खाली है ना इधर, खाली है ना? तो देखिए हम लोग ये है बोट, तो चलते हैं। मैं तो आगे जाके बैठूंगा शायद। ये लोग बोल रहे हैं ये एक दिरहम में भाड़ा ये तो, क्या करेगा यार? ओके कोई नहीं, भाड़ा में दो बहुत पैसा कमा रहे हैं। हमारा क्या है बोलो, हमारा हालत खराब हो चुका है इसकी इसकी वजह से। और देखो ये छोटे बच्चे लोग होते हैं, बस रोते रहते हैं, छोटी छोटी बात। गरीब आदमी को ये लोग लूट रहे हैं इधर, ये गरीब बन रहे हैं, गरीब आदमी देखो गरीब आदमी कर रहे हैं यार। बच्चों की क्या होता है भाई, बच्चों की कुछ नहीं होता है, बोले कितना शांत से बैठे हुए। तुम कुछ सोच रहे हो क्या? नहीं अभी कैमरे के सामने ये शांत है, अगर देखो गाड़ी घूम रही है बोले ना गाड़ी घूम रही है, तो देखिए गाड़ी नहीं बोट घूम रही है। तो आगे जा रहे हैं, ये मशीन इधर भैया हम लोग का ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, इधर पार्टी कुछ नहीं हो रही इधर। ओ यहाँ का जो नज़ारा है जो चलो भाई लोग फाइनली गाइस हम लोग इस बार आ पहुँचे हैं।